स्वागत है आपका लाइव संदेश में। मैं नाजिम खान। दिल्ली दंगा तो आपको याद ही होगा और ये कपिल मिश्रा भी आपको याद होगा। कपिल मिश्रा की बराबर में खड़े हुए डीसीपी भी आपको याद ही होंगे। तो अब खबर कपिल मिश्रा को लेकर नहीं है, दिल्ली दंगे को लेकर नहीं है, अब खबर है डीसीपी को लेकर। जी हाँ, उत्तर पूर्वी के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य ने राष्ट्रपति को नोटिस लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने अपने लिए वीरता पुरस्कार की मांग की है। यही नहीं, इनके साथ साथ अन्य 25 पुलिसकर्मियों ने भी राष्ट्रपति से मांग की है कि वीरता पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि दिल्ली दंगे के दौरान उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई और कई लोगों की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया। इस सब चीज़ों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार की गुहार लगाई है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली दंगों के दौरान बचाव कार्य में सक्रिय पुलिस अधिकारी ने राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार की मांग की है। पुरस्कार की मांग करने वाले ये अधिकारी, जिनका नाम वेद प्रकाश सूर्या है, जो कि दंगों के वक्त दिल्ली के डीसीपी थे, उन्होंने इस साल वीरता मेडल के लिए राष्ट्रपति को अपना नाम भेजा है। इस दावे के साथ कि दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों लोगों की संपत्ति और जान को महफूज किया था, इसलिए वो राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के हकदार हैं। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि खुद ही वीरता पुरस्कार की मांग करने वाले वेद प्रकाश सूर्या का कुछ महीनों पहले ही दिल्ली के डीसीपी पद से तबादला कर राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया था। अब आपको यहाँ ये भी बताएं कि राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार लोगों की जान बचाने, दंगे रोकने में सहायक लोगों, क्राइम कंट्रोल करने में अग्रणी लोगों को दिया जाता है। फिलहाल इस वीरता पुरस्कार को लेकर पूर्व डीसीपी वेद प्रकाश सुर्खियों में हैं। वही डीसीपी जो कि कपिल मिश्रा के 20 फरवरी को शेयर किए गए वीडियो में नजर आ रहे थे। इस दौरान कपिल मिश्रा ने उनके सामने भाषण देते हुए कहा था कि अगर सीएए के आंदोलनकारी जल्द सड़क खाली नहीं करते तो वो भी जल्द सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बात को लेकर वीरता अवार्ड मांगने वाले डीसीपी भी समर्थन करते नजर आ रहे थे। फिलहाल वेद प्रकाश की मांग है कि दंगे कंट्रोल करने के लिए उन्हें वीरता अवार्ड से नवाजा जाए।